दोस्तों सनी देओल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1983 में बेताब फिल्म से की थी। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे सनी देओल, अमृता सिंह, समी कपूर, प्रेम चोपड़ा और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। 1984 में इनकी मूवी आती है सनी। इस फिल्म के मुख्य कलाकार सनी देओल, धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, अमृता सिंह है और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हो जाती है। इसके बाद इनकी अगली फिल्म आती है इसी साल मंजिल मंजिल। फिल्म के मुख्य कलाकार थे सनी देओल, डिंपल कपाड़िया, डैनी, प्रेम चोपड़ा और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल एक और मूवी आती है सोनी महिवाल। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे सनी देओल, पूनम ढिल्लो, जीनत अमान। फिल्म के डायरेक्टर थे उमेश मेहरा और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसके बाद 1985 में एक मूवी आती है जबरदस्त। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे सनी देओल, संजीव कुमार, जया प्रदा, अमरीश पुरी और फिल्म के डायरेक्टर थे नासिर हुसैन और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है। इसी साल एक और मूवी आती है अर्जुन। फिल्म के मुख्य कलाकार थे सनी देओल, डिंपल कपाड़िया, राज किरण, प्रेम चोपड़ा, अनुपम खेर और फिल्म के डायरेक्टर थे राहुल रवेल और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। 1986 में एक मूवी आती है सल्तनत। फिल्म में सनी देओल के साथ धर्मेंद्र, श्रीदेवी, जूही चावला, अमरीश पुरी, शक्ति कपूर, दिलीप ताहिल नजर आते हैं। फिल्म के डायरेक्टर थे मुकुल एस आनंद और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। इसी साल एक मूवी आती है समुंदर। फिल्म में सनी देओल के साथ पूनम ढिल्लो, अमरीश पुरी, अनुपम खेर, परेश रावल नजर आते हैं। फिल्म के डायरेक्टर थे राहुल रवेल और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। इसी साल एक और मूवी आती है सवेरी वाली गाड़ी। फिल्म के मुख्य कलाकार सनी देओल, पूनम ढिल्लो, प्रेम चोपड़ा, ओम पुरी हैं और फिल्म के डायरेक्टर थे भारती राजा और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। इसके बाद 1987 में मूवी आती है डकैत। फिल्म में सनी देओल के साथ मीनाक्षी सेसाद्री, उर्मिला मातोंडकर, राजा मुराद, सफी नामदार, रवि, परेश रावल नजर आते हैं। फिल्म के डायरेक्टर थे राहुल रवेल और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। इसके बाद 1988 में एक मूवी आती है राम अवतार। फिल्म में सनी देओल के साथ अनिल कपूर, श्रीदेवी, शक्ति कपूर नजर आते हैं। फिल्म के डायरेक्टर थे सुनील हिंगोरानी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल एक मूवी आती है इंतकाम। फिल्म में सनी देओल के साथ अनिल कपूर, मीनाक्षी सेसाद्री, शक्ति कपूर, अमजद खान, कादर खान, प्रेम चोपड़ा नजर आते हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं राजकुमार कोहली और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल एक और मूवी आती है पाप की दुनिया। फिल्म में सनी देओल के साथ नीलम कोठारी, चंकी पांडे, प्राण, डैनी, शक्ति कपूर जैसे कलाकार हैं। फिल्म के डायरेक्टर थे सिब्बू मित्रा और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसी साल एक मूवी आती है यतीम। फिल्म में सनी देओल के साथ फराना, डैनी, दिलीप ताहिल, अमरीश पुरी नजर आते हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं जेपी दत्ता। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। इसके बाद 1989 में मूवी आती है मजबूर। फिल्म में सनी देओल के साथ जितेंद्र, जया प्रदा, फराना, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर, कादर खान, असरानी, जानलेवर नजर आते हैं। फिल्म के डायरेक्टर थे ततनेमी रामा राव। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल एक और मूवी आती है मैं तेरा दुश्मन। फिल्म में सनी देओल के साथ जय किसरा, जया प्रदा, श्रीदेवी, राजेश खन्ना, किरण कुमार, अनुपम खेर नजर आते हैं और फिल्म के डायरेक्टर थे विजय रेड्डी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज के नीचे रही। इसी साल एक मूवी आती है त्रिदेव। फिल्म में सनी देओल के साथ जैकी श्रॉफ, नसरुद्दीन शाह, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, अमरीश पुरी, राजा मुराद, दिलीप ताहिल नजर आते हैं। फिल्म के डायरेक्टर थे राजीव राय और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इसी साल एक और मूवी आती है जोशीले। फिल्म में सनी देओल के साथ अनिल कपूर, श्रीदेवी, मीनाक्षी सेसाद्री नजर आती हैं। फिल्म के डायरेक्टर थे सिप्ते हसन रिजवी और शेखर कपूर। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है। इसी साल एक मूवी आती है निगाहें। फिल्म में सनी देओल के साथ श्रीदेवी, अनुपम खेर नजर आती हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं हरमेश मल्होत्रा और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल एक और मूवी आती है चालबाज। फिल्म में सनी देओल के साथ रजनीकांत, श्रीदेवी, अनुपम खेर, शक्ति कपूर, कादर खान हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं पंकज परासरी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इसके बाद 1990 में एक मूवी आती है वर्दी। फिल्म में सनी देओल के साथ जैकी श्रॉफ, धर्मेंद्र, माधुरी दीक्षित, कादर खान, परेश रावल, राजा मुराद, सफी नामदार जैसे कलाकार नजर आते हैं। फिल्म के डायरेक्टर थे उमेश मेहरा और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसी साल एक मूवी आती है क्रोध। फिल्म में सनी देओल के साथ संजय दत्त, अमृता सिंह, सोनम, अनुपम खेर, परेश रावल नजर आते हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं शशिलाल के नायर और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल एक मूवी आती है घायल। फिल्म में सनी देओल, मीनाक्षी सेसाद्री, राज बब्बर, अमरीश पुरी, ओम पुरी हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं राजकुमार संतोषी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल एक मूवी आती है आग का गोला। फिल्म में सनी देओल के साथ डिंपल कपाड़िया, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर, राजा मुराद जैसे कलाकार हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं डेविड धवन और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसके बाद 1991 में एक मूवी आती है संकरा। फिल्म में सनी देओल के साथ नीलम कोठारी, परेश रावल, किरण कुमार हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं सुदर्शन नाग और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल एक और मूवी आती है योद्धा। फिल्म में सनी देओल, संजय दत्त, संगीता बिजलानी, डैनी जैसे कलाकार नजर आते हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं राहुल रवेल और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित होती है। इसी साल एक और मूवी आती है विष्णु देवा। फिल्म में सनी देओल, अदित पंचोली, नीलम कोठारी, संगीता बिजलानी, आलोक नाथ, डैनी, जॉनी लीवर जैसे कलाकार हैं और फिल्म के डायरेक्टर हैं के पप्पू और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल एक और मूवी आती है नरसिम्हा। फिल्म में सनी देओल, डिंपल कपाड़िया, उर्मिला मातोंडकर, ओम पुरी जैसे कलाकार हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं एन चंद और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसके बाद 1992 में एक मूवी आती है विश्वात्मा। फिल्म में सनी देओल, नसरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, अमरीश पुरी हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं राजीव राय और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसके बाद 1993 में एक मूवी आती है छत्री। फिल्म में सनी देओल के साथ संजय दत्त, सुनील दत्त, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, राखी गुलजार, दिव्या भारती, प्रेम चोपड़ा, रवीना टंडन हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं जेपी दत्ता और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल एक और मूवी आती है दामिनी। फिल्म में सनी देओल, मीनाक्षी सेसाद्री, ऋषि कपूर, अमरीश पुरी हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं राजकुमार संतोषी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसी साल एक और मूवी आती है लुटेरे। फिल्म में सनी देओल, जूही चावला, चंकी पांडे, नसरुद्दीन शाह हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं धर्मेश दर्शन और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही।
जिस साल एक और मूवी आती है इज्जत की रोटी। फिल्म में सनी देओल, ऋषि कपूर, जूही चावला, अनुपम खेर जैसे कलाकार हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं के पप्पू और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित होती है। इसी साल एक मूवी आती है वीरता। फिल्म में सनी देओल के साथ जया प्रदा, शक्ति कपूर, प्रेम चोपड़ा हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं शिबू मित्रा और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसके बाद एक मूवी आती है डर। फिल्म में सनी देओल के साथ जूही चावला, शाहरुख खान, अनुपम खेर, दिलीप ताहिल हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं यश चोपड़ा और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल एक और मूवी आती है गुना। फिल्म में सनी देओल के साथ डिंपल कपाड़िया, सुमित सहगल, राजा मुराद जैसे कलाकार हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं महेश भट्ट और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसके बाद 1994 में मूवी आती है इंसानियत। फिल्म में अमिताभ बच्चन, सनी देओल, जया प्रदा, रवीना टंडन, चंकी पांडे, अनुपम खेर, प्रेम चोपड़ा, आलोक नाथ, सदाशिव अमरापुरकर हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं टोनी जुनेजा और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसके बाद 1995 में मूवी आती है इम्तिहान। फिल्म में सनी देओल, सैफ अली खान, रवीना टंडन, गुलशन ग्रोवर, शक्ति कपूर, दिलीप ताहिल हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं हैरी बावेजा और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल एक मूवी आती है दुश्मनी। फिल्म में सनी देओल, जैकी श्रॉफ, मनीषा कोइराला, अनुपम खेर हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं बंटी सुरमा और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल एक और मूवी आती है अंगरक्षक। फिल्म में सनी देओल, पूजा भट्ट, सईद जाफरी, मोहिनीस बहल हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं रवि राजा, पीनी सेट्टी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसके बाद 1996 में एक मूवी आती है हिम्मत। फिल्म में सनी देओल, शिल्पा शेट्टी, तब्बू, नसरुद्दीन शाह, गुलशन ग्रोवर, मुकेश खन्ना, किरण कुमार, टीनू वर्मा जैसे कलाकार हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं सुनील शर्मा और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल एक और मूवी आती है घातक। फिल्म में सनी देओल के साथ मीनाक्षी सेसादरी, डैनी डेंजोंगपा, अमरेश पुरी, मुकेश ऋषि, टीनू वर्मा हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं राजकुमार संतोषी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इसी साल एक और मूवी आती है अजय। अजय फिल्म में सनी देओल, करिश्मा कपूर, सुरेश ओबराय, किरण कुमार, सदाशिव अमरापुरकर हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं सुनील दर्शन और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल एक और मूवी आती है जीत। फिल्म में सनी देओल, सलमान खान, करिश्मा कपूर, तब्बू, अमरेश पुरी, दिलीप ताहिल, आलोक नाथ, आशीष विद्यार्थी, जानी लीवर हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं राज कौरू और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इसके बाद 1997 में मूवी आती है कहर। फिल्म में सनी देओल, सुनील शेट्टी, अरमान कोहली, सोनाली बेंद्रे, दीप्ति भटनागर, गुलशन ग्रोवर, राज बब्बर, परेश रावल, राजा मुराद जैसे कलाकार हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं राजकुमार कोहली और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। मूवी आती है बॉर्डर। इस फिल्म में सनी देओल, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, तब्बू जैसे कलाकार हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं जेपी दत्ता और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल एक मूवी आती है जोर। फिल्म में सनी देओल, सुष्मिता सेन, ओम पुरी, अनुपम खेर, टीकू तलसानिया हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं संगीत सिवन और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल एक और मूवी आती है जिद्दी। फिल्म में सनी देओल, रवीना टंडन, अनुपम खेर, फरीदा जलाल, आशीष विद्यार्थी, राज बब्बर हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं गुड्डू धनोआ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इसके बाद 1998 में मूवी आती है सलाखें। फिल्म में सनी देओल, रवीना टंडन, अनुपम खेर, अमरेश पुरी हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं गुड्डू धनोआ, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसके बाद 1999 में मूवी आती है अर्जुन पंडित। फिल्म में सनी देओल के साथ जूही चावला, आशीष विद्यार्थी, मुकेश ऋषि जैसे कलाकार हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं राहुल रवेल और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल एक और मूवी आती है दिल लगी। फिल्म में सनी देओल, बॉबी देओल, उर्मिला मातोंडकर, दारा सिंह, प्रीति जिंटा हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं सनी देओल और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल एक और मूवी आती है प्यार कोई खेल नहीं। फिल्म में सनी देओल, महिमा चौधरी, मोहिनी बहल, दिलीप ताहिल हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं सुभाष सहगल और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसके बाद 2000 में एक मूवी आती है चैंपियन। फिल्म में सनी देओल, मनीषा कोइराला, राहुल देव, मास्टर अभिषेक शर्मा हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं पदम कुमार और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसके बाद 2001 में मूवी आती है इंडियन। फिल्म में सनी देओल, शिल्पा शेट्टी, डैनी, मुकेश ऋषि, राज बब्बर हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं एन महाराजन और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसी साल एक और मूवी आती है ये रास्ते हैं प्यार के। फिल्म में सनी देओल, अजय देवगन, माधुरी दीक्षित, प्रीति जिंटा, किरण कुमार जैसे कलाकार हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं दीपक शिवदासनी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल एक और मूवी आती है कसम। फिल्म में सनी देओल, नसरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, नीलम कोठारी, रंजीत, सदाशिव अमरापुरकर हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं शिबू मित्रा और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल एक और मूवी आती है गदर। फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरेश पुरी, सुरेश ओबराय हैं। फिल्म के डायरेक्टर थे अनिल शर्मा और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल एक और मूवी आती है फर्ज। फिल्म में सनी देओल, प्रीति जिंटा, जैकी श्रॉफ, जॉनी लीवर, ओम पुरी, दारा सिंह हैं। फिल्म के डायरेक्टर थे राज कंवर और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसके बाद 2002 में एक मूवी आती है जानी दुश्मन। फिल्म में सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सोनू निगम, अदित पंचोली, राज बब्बर हैं। फिल्म के डायरेक्टर थे राजकुमार कोहली और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल एक और मूवी आती है 23 मार्च 1931 शहीद। फिल्म में सनी देओल, बॉबी देओल, सुरेश ओबराय, शक्ति कपूर हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं गुड्डू धनोआ और फिल्म फ्लॉप रही। इसी साल एक और मूवी आती है कर्ज। फिल्म में सनी देओल के साथ सुनील शेट्टी, शिल्पा शेट्टी, आशुतोष राणा, जॉनी लीवर जैसे कलाकार हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं हैरी बावेजा और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहती है। इसी साल एक और मूवी आती है मां तुझे सलाम। फिल्म में सनी देओल के साथ अरबाज खान, तब्बू, टीनू वर्मा हैं। फिल्म के डायरेक्टर थे टीनू वर्मा और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। इसके बाद 2003 में मूवी आती है जाल। जाल फिल्म में सनी देओल के साथ तब्बू, अमरेश पुरी, अनुपम खेर, आशीष विद्यार्थी, मुकेश ऋषि जैसे कलाकार हैं। फिल्म के डायरेक्टर थे गुड्डू धनोआ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी। इसी साल एक मूवी आती है खेल। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में सनी देओल और सुनील शेट्टी हैं। फिल्म के डायरेक्टर थे यूसुफ खान और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी। इसी साल एक मूवी आती है द हीरो। इस फिल्म में सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा, प्रियंका चोपड़ा, अमरेश पुरी, राजपाल यादव हैं। फिल्म के डायरेक्टर थे अनिल शर्मा और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज के नीचे थी। इसके बाद 2004 में मूवी आती है लकीर।
इस फिल्म में सनी देओल, जॉन अब्राहम, सुनील शेट्टी, सुहेल खान हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं अहमद खान और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। इसी साल मूवी आती है रोक सको तो रोक लो। फिल्म में सनी देओल, नम्रता शिरोडकर, यश पंडित हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं अरिंदम चौधरी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। इसके बाद 2005 में मूवी आती है जो बोले सो निहाल। फिल्म में सनी देओल, शिल्पी शर्मा, कमाल खान, नूपुर मेहता जैसे कलाकार हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं राहुल रवेल और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी। इसके बाद 2006 में एक मूवी आती है नक्शा। फिल्म में सनी देओल, विवेक ओबराय, समीरा रेड्डी, जैकी श्रॉफ जैसे कलाकार हैं। फिल्म के डायरेक्टर थे सचिन बजाज और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर थी। इसी साल एक मूवी आती है तीसरी आंख। इस फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल, नेहा धूपिया, मुकेश ऋषि हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं हैरी बवेजा। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। इसके बाद 2007 में मूवी आती है फुल एंड फाइनल। इस फिल्म में सनी देओल के साथ शाहिद कपूर, विवेक ओबराय, आयशा टाकिया, परेश रावल, जॉनी लीवर, ओम पुरी, जैकी श्रॉफ, अरबाज खान, गुलशन ग्रोवर हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं अहमद खान और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी। इसी साल एक और मूवी आती है काफिला। इस फिल्म में सनी देओल, अमितोजी मान, साना नवाज हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं अमितोज मान और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर थी। इसी साल एक और मूवी आई थी अपने। इस फिल्म में सनी देओल, बाबी देओल, धर्मेंद्र, कैटरीना कैफ, शिल्पा शेट्टी हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं अनिल शर्मा और यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज थी। इस साल एक और मूवी आई थी सनी देओल की बिग ब्रदर। फिल्म में सनी देओल, प्रियंका चोपड़ा, डैनी, अवतार गिल, राजू श्रीवास्तव हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं गुड्डू धनोआ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी। इसके बाद 2008 में एक मूवी आती है हीरोज। इस फिल्म में सनी देओल, सलमान खान, मिथुन चक्रवर्ती, बाबी देओल, प्रीति जिंटा, सुहेल खान हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं समीर कर्णिक और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी। उसके बाद 2009 में एक मूवी आई थी फॉक्स। इस फिल्म में सनी देओल, अर्जुन रामपाल, उदिता गोस्वामी हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं दीपक तिजोरी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर थी। इसके बाद 2010 में मूवी आई थी राइट या रॉन्ग। फिल्म में सनी देओल, इरफान खान, कोनकोना सेन शर्मा, ईशा कोप्पिकर हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं नीरज पाठक और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर थी। इस साल एक और मूवी आई थी खुदा कसम। फिल्म में सनी देओल, तब्बू, आशीष विद्यार्थी, ऋषि कपूर हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं केसी बोकाड़िया और यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर थी। इसके बाद 2011 में एक मूवी आई थी यमला पगला दीवाना। फिल्म में सनी देओल, बाबी देओल, धर्मेंद्र, कुलराज रंधावा, अनुपम खेर जैसे कलाकार हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं समीर कर्णिक और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट थी। इसके बाद 2013 में एक मूवी आई थी यमला पगला दीवाना 2। इस फिल्म में सनी देओल, बाबी देओल, धर्मेंद्र, नेहा शर्मा हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं संजीत सिवन और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी। इस साल एक और मूवी आई थी महाभारत। फिल्म में सनी देओल, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, मनोज वाजपेयी जैसे कलाकार हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं अमान खान और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। इस साल एक और मूवी आई थी सिंह ऑफ द ग्रेट। फिल्म में सनी देओल, ताराव, प्रकाश राज, उर्वशी पटेल है। फिल्म के डायरेक्टर थे अनिल शर्मा और यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी। इसके बाद 2014 में मूवी आई थी ढिचकाओ। फिल्म में सनी देओल, हरमान बवेजा, आयशा खन्ना, प्रशांत नारायण है। फिल्म के डायरेक्टर है सनमजीत तलवार और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर थी। इसके बाद 2015 में मूवी आई थी आई लव यू न्यू ईयर। फिल्म में सनी देओल, कंगना रनौत, नवीन चौधरी जैसे कलाकार हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं राधिका राव, विनय सप्रू और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर थी। इसके बाद 2016 में मूवी आई थी घायल वंश अगेन। फिल्म में सनी देओल, ओम पुरी, सोहा अली खान, नरेंद्र झा हैं। फिल्म के डायरेक्टर थे राहुल रवेल और यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी। इसके बाद 2017 में मूवी आई पोस्टर बॉयज। फिल्म में सनी देओल, बाबी देओल, श्रेयस तलपड़े हैं। फिल्म के डायरेक्टर थे श्रेयस तलपड़े और यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी। इसके बाद 2018 में मूवी आई थी मोहल्ला 80। फिल्म में सनी देओल के साथ साक्षी तन्वर, रवि किशन और सौरभ शुक्ला जैसे कलाकार थे। फिल्म के डायरेक्टर थे चंद्र प्रकाश द्विवेदी और यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। इस साल एक और मूवी आई थी भैया जी सुपरहिट। फिल्म में सनी देओल, प्रीति जिंटा, अरशद वारसी, श्रेयस तलपड़े, अमीषा पटेल जैसे कलाकार हैं। फिल्म के डायरेक्टर थे नीरज पाठक और यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर थी। इसके बाद 2019 में मूवी आई थी ब्लैंक। इस फिल्म में सनी देओल, करण कपाड़िया, करणवीर शर्मा, ईशिता दत्ता और जमील खान मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म के डायरेक्टर थे बेहजाद खंबाटा और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर